मृतुंजय मंदिर है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग है। यहाँ पे जो देखे हैं अंदर से, यहाँ पे वेद पाठ का ज्ञान देते हैं। यहाँ पे So finally we are reached to our destination, that is the Asia's cleanest village। हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर सब कुछ ऑब्वियसली पूरा स्ट्रक्चराइज करके रखे हैं, ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। पार्किंग वगैरह, पोस्ट ऑफिस, एवरीथिंग। एंट्री फीस अराउंड 50 रुपये पर पर्सन लग रहा है। एंड देन हम लोग अंदर जाते, देखते हैं आपको क्या क्या यहाँ पॉसिबल है, क्या क्या मिल सकता है। एंड सुनने में थोड़ा शॉपिंग भी यहाँ कर सकते हैं, और कुछ दुकानें खुले हैं। लेट्स सी। देखिए चला कैमरा सो ये है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। यू कैन सी एवरीथिंग इज क्लीन, कहीं पर धूल तक नहीं दिख रहा, साफ सुथरा। बैंग ऑन मानना पड़ेगा कितना परफेक्ट मेंटेनेंस। हर जगह पे टॉयलेट बना हुआ है, डस्टबिन है, छोटे छोटे दुकान है, टपरी है जहाँ पर आप लोग बैठ के खा भी सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो, सब कुछ है यहाँ फैसिलिटीज। और होम स्टे तो भरा पड़ा है। यहाँ पर आओ, आराम से रुको, एक वीक आराम से बिताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शांति है। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है मगर नॉट बट दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। पूरा हरा भरा एरिया देखो। यहाँ पे भी सीढ़ी। ये सब वॉलंटरी डिसीजन है, ठीक है। हाँ, बाद में कोई बोलना नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ मिलने नहीं वाला। और यहाँ क्लीन भी नहीं है, यहाँ क्लीन है बॉर्डर है। हम यहाँ पर आए मृत्युंजय मंदिर, ये काफी सुंदर है। हमें लेके आए हैं यहाँ पर हमारे भाई सुदीप्ता। कुछ बताओ सुदीप्ता, कुछ बताओ अपने बारे में और मंदिर के दोनों के बारे में बताओ। मेरा नाम सुदीप्ता प्राण शर्मा है, मैं नौगा का हूँ, आसाम का हूँ। और ये मृत्युंजय मंदिर है, थोड़ा दिखा दीजिए आप। ये मृत्युंजय मंदिर है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग है। तो यहाँ 2004 में पहले ये प्रतिष्ठा हुआ था, और 2016 से ये जो बड़ा मंदिर है ना, वो बनाने के लिए स्टार्ट किया था। तो इस साल ही ये मंदिर जो है वो प्रतिष्ठा किया, तो बहुत अच्छा है। ये बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, वही है। हाँ, मस्त जगह है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और मंदिर है, आप दर्शन भी कर सकते हैं, और पिक्चर जो भी उठाना उठाइए। एंड ये बहुत अभी भी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे आप दिखा दो, ये यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक नंदी बना रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो जब कंप्लीट हो जाएगा आप लोग फिर से देखेगा। वो भी सबसे बड़ा नंदी होगा। हाँ, सबसे बड़ा नंदी होगा यहाँ पे, यहाँ पे नंदी होगा। तो और एक बात है, यहाँ पे जो नीचे आप लोग दिखा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे वेद पाठ सिखाते हैं। यहाँ पे आसाम में पहले है, ये आसाम में दूसरे जगह पे नहीं है। यहाँ पे जो देखे हैं अंदर से, यहाँ पे वेद पाठ का ज्ञान देते हैं यहाँ पे। अच्छा बेदपाट का जो उसकी हाँ ओके बेदपाट जो होते हैं यहाँ पे वहाँ पे मतलब शिक्षा देते हैं वो 7-8 साल का कोई कोर्स होता है संस्कृत में जो हाँ संस्कृत में जो वेद होता है ना वेद वेद का हाँ थोड़ा प्रोनाउंस ये आसाम से हाँ तो हिंदी के पॉइंट से वेद पाठ अगर जो होता है तो वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है पर्टिकुलर एक कोर्स है एफिलेटेड बाय गवर्नमेंट आई थिंक हाँ तो वो है एंड इसका भी यूट्यूब चैनल है इसको भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते इंडिया मैं लिंक डाल दूँगा ओके तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए इसका भी वीडियो देखें एंड थोड़ा इसको भी थोड़ा क्या बोले सपोर्ट कीजिए तो ये वीडियो बनाना थोड़ा छोड़ दे यार ठीक है चलो बहुत अच्छा लगा मिलके और ब्लॉग में आ गया ये बहुत बड़ी बात है भैया के ब्लॉग में आ गया बहुत बड़ी बात है यार भाई मैं भी छोटा सा ब्लॉगर ब्लॉगर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है दिल से होता है चलो। काजीरंगा वाइल्डनेस आइए आइए देखिए देखिए यहाँ क्या हो रहा है देखिए देखिए ये क्या है क्या चल रहा है यहाँ पे क्या एचआर है देख के नहीं मार्च इज कमिंग जनवरी आपको इसमें लाने का प्लान हमारा यही है इनको अभी कोविड कटा है आपको गर्म पानी पी कैसे लगा पीने गरम हो देखो बाथरूम दिखाएंगे मत ये है देसी वाला ये नहीं जाएगा बेटा ये देखिए बाथरूम विदेशी